गाइस अपना इंडिया बहुत ही खुशहाल नेशन है, यहाँ की धार्मिक और सांस्कृतिक सौंदर्यता इन अदर कंट्री में भी फेमस है, लेकिन ये दो रीज़न अपनी इंडिया को पीछे ले जा रहे हैं। रीज़न फर्स्ट, यहाँ के लोग आलसी हैं, भूख सबको लगती है, खाना सभी खाते हैं पर वर्क कोई नहीं करना चाहता। यहाँ के लोग अंधविश्वास पर ज़्यादा निर्भर हैं और भ्रष्ट नेताओं के कालाबाजारी को नज़रअंदाज कर रहे हैं। गाइस एग्जांपल के लिए हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर बोलते हैं कि दिए जलाओ प्रोत्साहन मिलेगा, पर मैं कहता हूं कि अगर एक दिए में आज के रेट से 3 रुपए का तेल तो डालते ही हैं, तो उस हिसाब से अगर 1 करोड़ लोग भी दिए को जलाते हैं तो हमारे 3 करोड़ रुपए इन्वेस्ट हो जाते हैं। रीजन नंबर सेकंड, एजुकेशन लेवल। गाइस अगर हम बात करें तो अपनी इंडिया की एजुकेशन लेवल लो है, अगर हम इन अदर कंट्री से तुलना करें तो वहाँ की एजुकेशन लेवल स्ट्रांग है, वहाँ स्टार्ट से ही हाई लेवल की एजुकेशन होती है। एग्जाम्पल के लिए अमरीका में रहने वाले 12 वर्षीय मार्क एलियट जुकरबर्ग ने फेसबुक जैसे सोशल मीडिया की खोज कर डाली और इंडिया में 12th स्टैंडर्ड तक साइंटिस्टों के थ्योरम पढ़ाए जाते हैं। गाइस मेरा उद्देश्य इंडिया की बुराई नहीं है बल्कि उसके वीकनेस को अर्ज करना है। बाकी मैं बता दूं, इंडिया बेस्ट कंट्री थी, है और रहेगी। गाइस नोटेड पॉइंट, अंधविश्वास त्यागो, सेल्फ डिपेंड रहो और ईश्वर पर आस्था रखो। और ऐसे ही मोटिवेशनल फैक्ट्स के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लो। थैंक यू।